सोहना में हत्या के 6 महीने बाद मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सोहना सदर थाना पुलिस ने अधिकारियों के आदेश पर 6 महीने बाद मृतक किशोर के परिजनों की लिखित शिकायत के बाद 2 युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक किशोर के पिता की माने तो आरोपी युवक 6 महीने पहले उनके 14 वर्षीय बेटे को घर से सुबह सुबह ही झूठ बोलकर ले गए और उनके बेटे को दमदमा झील में डुबाकर मार दिया। लेकिन सोहना थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर गुहार लगाई, जिसके बाद सोहना सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पुत्र मोहित कौशिक को 16 व 17 10/2021 को घर से सुबह 7 बजे लेके गए थे घुमाने के लिए, और उनका डीजे का काम है। डीजे का टेम्पू बताया था कि अंकल जी डीजे का टेम्पू हमारा खराब हो गया है, हम सोना से ठीक करा के लाएंगे और आपके बच्चे को घर छोड़ देंगे। मैं रात को उस दिन तकरीबन 12-1 बजे तक फ़ोन करता रहा इन लड़कों को, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मेरे बच्चे को दमदमा झील में डुबो कर मार दिए। ना तो पुलिस किसी तरह से भी संतुष्टि दे रही है हमें, ना थाने के रूप में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी मिले हैं, CP मैम को भी लगाई है, कमिश्नर मैम को, उनके द्वारा क्राइम में रिकॉर्ड किया गया है मामला दर्ज करने के लिए, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इनसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाए। तो वही मृतक किशोर की मां का कहना है कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में 6 महीने का समय बीत गया। वो लगातार पुलिस के चक्कर काटती रही, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पीड़िता मां ने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरोपी बसते रहे, हम हमारे बार बार यहाँ सोना थाने आने के बाद भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना सुनवाई करी हमारी। हम बड़े अधिकारियों के पास भी गए थे, CP कमिश्नर में भी गए थे, हमने वहाँ बार बार गुहार लगाई थी, वहाँ से यहाँ पे केस दिया गया है, DCP साहब को भी लगाई हमने गुहार, जब जाके कहीं 6 महीने में मुकदमा दर्ज हुआ है जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सौरव वेतासु के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये कब का मामला था और किस तरीके से हादसे को अंजाम दिया गया था? ये 17 अक्टूबर का मामला था जी, सन 2021 को जी, सुबह दमदमा लेक में ले जाके मार दिया। तो सोहना ने अच्छा मारा कैसे था? जबरदस्ती बहला फुसला कर घर से लेके गए थे सुबह 7 बजे जी, हमारे मना करने के बाद भी। तो उसमें डुबो दिया था? हाँ जी, डुबो के मार दिया था। फिलहाल मामले में मृतक किशोर के परिजनों के बयानों पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच के दौरान क्या सच्चाई सामने आती है। ऊना से संजय राघव, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।